स्टूडेंट करिए कुछ। वेलकम बैक टू द थर्ड क्लास। हम लोग आज तीसरी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं और तीसरी क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से हमें लोगों से बातचीत की शुरुआत करनी होती है और किस तरह से लोगों से विदाई लेनी होती है। दैट मीन्स शिष्टाचार, ग्रीटिंग्स, राइट। तो ग्रीटिंग्स की बात करें या कर्टिसी की बात करें, शिष्टाचार बताते हैं। और चूंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इसमें शिष्टाचार के बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस लैंग्वेज को हम इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले दोनों ही वीडियो देख ली होंगी, क्लास वन और क्लास टू। अगर नहीं देखे तो प्लीज पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि हम एक क्रम से एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो अच्छे से इंग्लिश को सीख पाएंगे, राइट। और अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी क्लास में। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, राइट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी थर्ड क्लास का, जिसका है नाम मैंने दिया है कर्टिसी या शिष्टाचार या फिर ग्रीटिंग्स, राइट। तो हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे इमित होते हैं, हमें गुड मॉर्निंग कब बोलना है, गुड आफ्टरनून कब बोलना है, गुड इवनिंग कब बोलना है, राइट। तो आज वो क्लियर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की है गुड मॉर्निंग की। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम कभी मिलते हैं किसी व्यक्ति से, तो मुलाकात के वक्त, सुबह के वक्त, हम लोग गुड मॉर्निंग का यूज करते हैं, राइट। अब गुड मॉर्निंग तो सभी लोग जानते हैं, बट इसका कैसे हम बेस्ट यूज कर सकते हैं, कैसे हम इम्प्रेसिव यूज कर सकते हैं, एक ऐसे इम्प्रेसिव यूज कि जिसे करने के बाद लोग भी कहें यार मजा आ गया बंदे से मिलके। क्योंकि हम लोग हमेशा उसी व्यक्ति से बात करना पसंद करते हैं जिस व्यक्ति से बात करने के बाद हमें खुशी मिलती है, सही, चाहे वो भाषा कोई भी हो, राइट। तो आइए इंग्लिश को भी हम उतना ही अच्छा बनाते हैं जिस तरह से अन्य भाषाओं का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने बात किया गुड मॉर्निंग, राइट। तो गुड मॉर्निंग हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो हमसे परिचित है, राइट। एंड अब बात करते हैं इसका टाइमिंग क्या है। तो गुड मॉर्निंग का टाइमिंग सुबह 4 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक गुड मॉर्निंग का टाइम होता है। अब इसे बोलने का तरीका क्या है, तो बोलने का तरीका है अगर हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, साथ में उस व्यक्ति का नाम जरूर ऐड कर दीजिए। गुड मॉर्निंग मनोज, गुड मॉर्निंग डियर, है ना। आप उन एड्रेसिंग यानी संबोधन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं जिससे आप जनरली उस व्यक्ति को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, राइट। जैसे मेरे छोटा भाई है, अगर मैं उससे गुड मॉर्निंग करना चाहता हूँ, गुड मॉर्निंग डियर, है ना, या उसका कोई निक नेम है तो उसके नाम से भी मैं बोल सकता हूँ, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि बदले में हमें रिप्लाई क्या करना है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति हमसे गुड मॉर्निंग बोलता है और हम फीके तौर पर गुड मॉर्निंग ही बोल देते तो ये कॉमन तरीका हो गया। चलिए आज इसे थोड़ा सा इम्प्रेसिव बनाते हैं। तो इम्प्रेसिव बनाने के लिए मेरे पास तरीका है वेरी गुड मॉर्निंग। अगर हम गुड मॉर्निंग से पहले वेरी शब्द का यूज कर देते हैं तो वो हो जाएगा वेरी गुड मॉर्निंग। और वेरी गुड मॉर्निंग के साथ साथ हम उसको एक एड्रेसिंग वर्ड के साथ भी संबोधित कर सकते हैं, राइट। तो मुझे याद है जब बचपन में हम लोग ट्यूशन जाते थे तो सर को बोलते थे गुड इवनिंग सर, और बदले में सर बोलते थे गुड इवनिंग बेटा। तो सर ने जो बेटा एड्रेस किया, बेटा शब्द को एड्रेस किया, उससे हमें बड़ा अच्छा लगता था और हम जाकर के हमेशा सर को गुड इवनिंग विश कर देते हैं, राइट। तो चलिए मॉर्निंग में हम लोग सुबह 4 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक हम लोग क्या करने वाले हैं, गुड मॉर्निंग विश करने वाले हैं। एंड 12 बजे से लेकर शाम को 4 या 5 बजे तक हम गुड आफ्टरनून विश करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून विश करने का जो टाइम पीरियड होता है वो मौसम के हिसाब से अलग अलग हो जाता है, इसलिए मैंने 4 और 5 कहा। क्योंकि अगर सर्दियों की बात करें तो हम लोग 4 बजे तक गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, एंड गर्मियों की बात करें तो 5 बजे तक बोल सकते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है सूरज छुपने से 2 घंटे पहले तक हम लोग क्या बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, ठीक है। एंड अगला आता है हमारा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मतलब शाम को 5 बजे से लेकर के और रात के 12 बजे तक के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग। अब इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता। ज्यादातर लोग जब शाम को मिलने आते हैं, हमारे कोई व्यक्ति मेरे पास, कोई स्टूडेंट मेरे पास 8 बजे मिलने आया या उसको कॉल मेरे पास 9 बजे आया, तो अब वो गुड इवनिंग कहे या गुड नाइट कहे, क्योंकि गुड इवनिंग तो मतलब शाम का समय और अब तो रात हो रही। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कॉल मेरे पास आता है 11 बजे रात को, जब रात को 11 बजे आता तो वो मुझे क्या बोले, गुड नाइट बोले, नहीं गुड इवनिंग बोलना पड़ेगा। क्योंकि आते वक्त जब किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, मुलाकात करते वक्त हम गुड इवनिंग का ही यूज करेंगे शाम को 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, राइट। और इसके रिप्लाई के लिए मैंने आपको बताया वेरी करके हम लोग वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग कुछ भी शब्द का यूज करके एंड एड्रेसिंग वर्ड का यूज जरूर करें, लाइक वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्त, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग डियर,
राइट, इसका एक शब्द हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं विदा लेते समय। आते समय तो हमने गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग का यूज किया, अब जाते समय क्या करना है? अगर दिन की बात करेंगे तो गुड डे बोलना है, राइट, एंड रात की बात करेंगे तो गुड नाइट बोलना है। यानी हमारे पास सिर्फ दो ही वर्ड है विदा लेते समय, क्या? गुड डे एंड गुड नाइट। दिन के समय में गुड डे एंड रात के समय में गुड नाइट। एक और वर्ड आता है गुड बाय, तो गुड बाय कब बोलना है? गुड बाय हम दिन और रात दोनों ही समय में कभी भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि अगर दिन में मैं किसी से विदा ले रहा हूँ तो गुड बाय भी बोल सकता हूँ, गुड डे भी बोल सकता हूँ, रात में विदा ले रहा हूँ तो गुड नाइट या गुड बाय बोल सकता हूँ, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे हेलो। अब किसी भी व्यक्ति को जब मैं हेलो बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या है? हेलो का मतलब वैसे ही हो गया जैसे हिंदी लैंग्वेज होता है ओए। ओए कह के हम किसी व्यक्ति को आवाज लगा रहे हैं और उस व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिससे वो व्यक्ति हमें देख पाए, हमें सुन पाए, राइट। तो हेलो का भी वही संबोधन होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हेलो और हेलो का रिप्लाई हमें करना होता है हाय। क्या करना होता है? हेलो। तो सामने वाला भी हेलो नहीं बोलेगा, जैसे हम लोग आम बोलचाल में फोन पे बात करते हैं तो इधर से बोलते हेलो, उधर से बोलते हेलो, इधर से बोलते हेलो, उधर से बोलते हेलो। यस, हेलो बोलने का सिंपल सा लॉजिक है, हेलो हम तब बोलते हैं जब सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। हेलो दैट मीन्स वो मेरी बात को ध्यान से सुने, या वो मेरी बात को केंद्रित कर पाए, या मैं उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब मैं इधर से हेलो बोलता हूँ उधर से भी हेलो बोलता हूँ, ये कन्फर्म हो जाता है कि हाँ दोनों व्यक्ति एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं और फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो इसी तरह हमारे पास हेलो, तो हेलो हमें याद रखना है, ठीक है। एंड हेलो के बदले में हेलो हेलो नहीं बोलना है, हेलो का रिप्लाई होगा हाय। अब हम बात करते हैं थैंक यू या थैंक्स। तो बहुत ही प्यारा वर्ड है थैंक यू। आप किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति जब आपका कोई काम करता है, छोटी सी मदद भी करता है, आप किसी काम आता है तो उसके बदले में आप ग्रेटिट्यूड यानी कि उसे थैंक्स बोले, राइट। जब आप थैंक्स बोलते हो सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वही जानता है कि यार ये व्यक्ति ने मेरी छोटी सी छोटी सी चीज के लिए इसने मुझे थैंक यू बोला, राइट। तो थैंक्स और थैंक यू, राइट। अब बात करते हैं इसका रिप्लाई क्या करना है। कुछ लोग थैंक यू देने के बाद ऐसे ही रह जाते हैं, राइट। ऐसे नहीं रहना है, उसका रिप्लाई करना है, राइट। तो रिप्लाई का तरीका होता है जब कोई व्यक्ति आपको थैंक यू बोलता है तो बोल सकते इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। अजनबी व्यक्ति के लिए जब रास्ते चलते अजनबी किसी व्यक्ति ने आपको आपने किसी की मदद कर दी, राइट, चाहे आपने साइड दे दी, किसी तरह की मदद कर दी, तो उसने बोला थैंक यू, तो आप बोलिए इट्स ओके फाइन, इट्स ओके, राइट। और कोई आपका नॉन व्यक्ति है तो बोली यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, राइट। इसके अलावा और भी अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, तो माई प्लेजर, मेरा सौभाग्य कि मैं आपके किसी काम आ सका, राइट। तो माई प्लेजर, ठीक है ना। तो इन तीन शब्दों को यूज करेंगे, अजनबी व्यक्ति के इट्स ओके इट्स फाइन, और दूसरा यू आर वेलकम, एंड तीसरा माई प्लेजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, एंड पार्डन मी उसका भी मतलब होता है मुझे माफ कीजिए। तो पार्डन मी और एक्सक्यूज मी हम दोनों वर्ड का यूज कर सकते हैं क्षमा याचना के लिए, राइट। एंड सॉरी, सॉरी का मतलब होता है अफसोस या खेद व्यक्त करना, ठीक है। कोई ऐसी चीज होती है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, मान लीजिए मुझे पता नहीं यार मेरा फ्रेंड आया है और काफी सालों बाद मुझे मिल रहा है, मैं उसके पापा के बारे में बात करूँ और वो बताता है कि उसके पापा काफी साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, तो मैं कहता हूँ ओह सॉरी, इसका मतलब क्या है? मुझे अफसोस है, मुझे खेद है, मैं माफी नहीं मांग रहा हूँ, मैं अफसोस व्यक्त कर रहा हूँ। तो अफसोस व्यक्त करने के लिए हम लोग सॉरी का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, सॉरी फॉर बीइंग लेट। मुझे मान लीजिए मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है, मेरे फ्रेंड्स पार्टी में पहुंच चुके हैं और चार लोग मिलकर के बातचीत कर रहे हैं, मैं लेट हो गया हूँ, मैं पहुंचता हूँ और मैं उनसे बोलता हूँ सॉरी फॉर बीइंग लेट, मुझे अफसोस है कि मैं लेट हो गया, राइट। एंड अब मान लीजिए चार लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, राइट, उनके बीच से आप निकलना चाहते हैं, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे कुछ और काम है इसलिए वहां पे हम, तो एक्सक्यूज मी ना बोल के हम क्या बोलें, एक्सक्यूज मी, राइट। सही साउंड का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, एक्सक्यूज मी, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज, मेरी गलती, मुझे माफ कर दीजिए, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करता हूँ, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, राइट। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, राइट, मुझे अफसोस मेरी गलती के लिए, ठीक है। अच्छा अगला आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं
कि एक व्यक्ति है बहुत ज्यादा रिजिड है, मान ही नहीं रहा, हम कई बार सॉरी बोल रहे हैं लेकिन मान ही रहा, तो जहाँ पे हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, हम नहीं चाहते रिलेशन खराब हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, तो आई अपोलोजाइज टू यू विद माई फोल्डिंग हैंड्स, आई अपोलोजाइज टू यू विद माई फोल्डेड हैंड्स, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, ठीक है। तो इन शब्दों को हम यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए पार्टी चल रही है और मेरी ही पार्टी है और मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया हुआ है। जब वो पार्टी में आते हैं, राइट, तो मेरा हक बनता है कि उनका स्वागत करूं। मैं स्वागत जब उनका करूंगा तो क्या बोलूंगा, यू वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, या यू आर वेलकम। तो यू आर वेलकम हो गया और वेलकम हो गया है ना, या फिर हर्टली वेलकम, अब दिल से स्वागत करने सीखा, हर्टली वेलकम सर, राइट। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज जो आपको शिष्टाचार सिखाती है बहुत अच्छे से, तो आपको उसी स्टाइल में, क्योंकि इंग्लिश में या किसी भी भाषा में हमें वर्डों के साथ साथ एक्सप्रेशंस का भी ध्यान रखना होता है, राइट। तो यू वेलकम, राइट। अगला आता है यू आर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत स्वागत है, मोस्ट मतलब आपने उतने अच्छे से स्वागत किया जितने अच्छे से आप कर सकती हो, मोस्ट वेलकम, आपका तहे दिल से स्वागत है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं, सर आप हमारे यहाँ आए, हमें इस बात की खुशी है, या आपके आने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर कमिंग, थैंक्स फॉर कमिंग सर, आप हमारी पार्टी में आए, आपके पास टाइम नहीं होता, थैंक्स फॉर कमिंग, है ना, आपके आने के लिए धन्यवाद, राइट। तो आप उस व्यक्ति को पार्टी में बिठाएंगे, बोलेंगे प्लीज बी सीटेड। तो जगह लेने के लिए, स्थान लेने के लिए, बैठने के लिए हमें क्या यूज करना है, बी सीटेड, टेक योर सीट नहीं बोलना है, बी सीटेड या हैव योर सीट, तो हैव योर सीट बोल सकते हैं या बी सीटेड बोल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे हमारा, तो जब उस व्यक्ति से हमारी मुलाकात हो गई, हमने उसे स्वागत कर दिया, उस व्यक्ति का स्वागत करने के बाद में उस व्यक्ति को हमने बिठा भी दिया, तो अब हम पूछते हैं सर आप कैसे हैं, तो सर आप कैसे हैं सब लोग जानते हैं हाउ आर यू, बड़ा कॉमन सा वर्ड है हाउ आर यू, तो हाउ आर यू के साथ साथ हम उनसे पूछ सकते हैं कि आजकल उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, तो हाउ इज योर बिजनेस, अगर मान लीजिए वो स्टूडेंट से, तो हाउ इज योर क्लास, अगर मान लीजिए वो एक ट्रेनर है या फिटनेस कोच है, तो हाउ इज योर हेल्थ, राइट, हाउ इज योर जिम, राइट। तो जिस प्रोफेशन की भी बात करते हैं तो उसके लिए बात कर सकते हैं हाउ इज योर लगा करके, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही शब्द लिखे हैं जिससे कि आप और शब्दों को बना सकते हैं, तो हाउ आर यू एंड हाउ इज योर लाइफ, लाइफ की जगह हम लोग हेल्थ, योर मदर, योर फादर, योर बिजनेस, योर क्लास, कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। तो मैं बात करता हूँ हाउ इज योर लाइफ, तो आपका जीवन कैसे चल रहा है सर, लाइफ कैसे चल रही है, राइट। तो उसके बदले में आप रिप्लाई कर सकते हैं इट्स ऑल्सो, हाँ ठीक ठाक चल रही है, और अगर अच्छी चल रही है तो इट्स गुड, और बहुत अच्छी चल रही है तो इट्स फैंटास्टिक, क्या फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, सुपर, माइंड ब्लोइंग, देयर आर सो मेनी वर्ड्स जिनका आप यूज कर सकते हैं लैंग्वेज में अपने एक्सप्रेशन को बताने के लिए, तो मैंने सिर्फ तीन वर्ड्स का यूज किया, सो मतलब ठीक ठाक चल रही है, हाँ ठीक ठाक चल रही है, अच्छी चल रही है तो इट्स गुड, और अगर बहुत अच्छी चल रही है तो इट्स फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं, हम वो उस व्यक्ति से बोलते हैं यार आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, पार्टी में जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हम मिलने के बाद में बोलते हैं यार आपसे मिलकर बड़ा अच्छा, नाइस टू मीट यू, या प्लीज टू मीट यू, तो प्लीज का मतलब भी खुशी होता है, नाइस का मतलब भी खुशी होता है, तो नाइस टू मीट यू, कई बार हम सी यू का भी यूज करते हैं, नाइस टू सी यू, है ना, तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसके अलावा जब आप रिप्लाई करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगा, मी टू, या सेम हियर सर, तो सेम हेयर या मी टू करके हम रिप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड आता है ग्लैड, जब आपको दिल से बहुत ज्यादा खुशी हुई हो, आप फॉर्मल तरीके से ना बोलना चाहते हैं, जब दिल से बहुत ज्यादा खुशी हुई तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ग्लैड टू मीट यू या ग्लैड टू सी यू, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम विश वाले, यानी शिष्टाचार के अगली सीरीज में हम बात करते हैं विश, हमें विश कैसे करना, विश भी अलग अलग ओकेजन पे किया जाता है, तो पहले ओकेजन की हम बात करते हैं, राइट, जब आपकी लाइफ में कोई काम पहली बार होता है, मान लीजिए व्यक्ति ने बाइक खरीदी, कार खरीदी, घर खरीदा, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी कि उसके जीवन में वो पहली बार घटित हुआ है, राइट, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके अलावा हम बात करते हैं, तो जितनी भी चीजें, मान लीजिए किसी ने प्राइज विन किया, किसी ने कोई गेम विन किया, किसी ने कुछ और विन किया, किसी को उपाधि मिली, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट, या हर्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, तो हर्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब तहे दिल से आपका स्वागत है, या तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तहे दिल से शुभकामनाएं, राइट।
चलिए अब हम बात करते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए, और ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए तो वो कौन सा दिन होगा? वो दिन होगा बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी एनिवर्सरी, राइट? तो मैरिज एनिवर्सरी, कोई भी एनिवर्सरी या बर्थडे के लिए हमें क्या यूज करना है? मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लेकिन आप इस वर्ड का यूज तभी करना जब आप ये कहना चाहते हो कि ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ हर साल होली आता है, दिवाली आता है एंड न्यू ईयर आता है, तो ये ऐसे ओकेजन जो सभी के लिए आते हैं, तो इसके लिए हम हैप्पी लगा के वो वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइक हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, है ना। हैप्पी के साथ साथ मैरी क्रिसमस भी बोलते हैं, क्योंकि मैरी और हैप्पी का मतलब सेम होता है, है ना। तो इसके लिए और अच्छे से हम बोल सकते हैं विश यू आर वेरी हैप्पी। तो विश यू आर हैप्पी न्यू ईयर, विश यू आर हैप्पी होली, विश यू आर हैप्पी दिवाली, विश यू आर हैप्पी प्रॉस्परस मैरिड लाइफ, बहुत सारे एक्सप्रेशन को हम यूज कर सकते हैं इसके साथ साथ, राइट? रिप्लाई थैंक यू, थैंक्स, और अगर आपको बदले में भी सेम रिप्लाई करना है तो सेम हियर या सेम टू यू भी बोल सकते हैं, राइट? चलिए अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, राइट, कोई व्यक्ति है जो किसी काम के लिए जा रहा है, ठीक है, किसी काम की हम बात करेंगे तो किसी एग्जाम के लिए जा रहा है, किसी ऐसे टास्क के लिए जा रहा है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जा रहा है, राइट, जहां से उसको उसको कुछ अचीवमेंट मिलने वाला है, कुछ अचीव होने वाला है, तो उसके लिए हम बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, गुड लक, देयर आर सो मेनी वर्ड्स, तो इसका मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, लाइक ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मे लक स्माइल एट यू, मे लक स्माइल एट यू, यानी कि आपका भाग्य आपका साथ दे, भाग्य आपके साथ दे, राइट? इसके अलावा मे यू सक्सीड, भगवान करे आप सफल हो जाओ, राइट? इसके अलावा मे ऑलमाइटी ब्लेस विद यू फेट, फेट मतलब भाग्य, सौभाग्य, है ना, तो भगवान करे कि आपका भाग्य आपका साथ दे, राइट, भगवान करे आपका भाग्य आपका साथ दे, मतलब हम विश कर रहे हैं। तो बहुत सारे एक्सप्रेशन है, उनमें से आप किसी भी एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं ग्रीफ, दुख, कॉन्डोलेंस, जब कोई मृत्यु हो जाती है, शोक समाचार, राइट? तो ऐसे भी लाइफ में बहुत सारे मोमेंट आते हैं, हमारे पास वर्ड नहीं होते, हम जहाँ समझ नहीं पाते, क्योंकि विश वाले तो ज्यादातर हमने सुने हुए होते हैं, ये यूज किए होते हैं, लेकिन कॉन्डोलेंस में हम नहीं समझ पाते। तो उसके लिए भी हम जानते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे दोस्त के फादर की डेथ हो गई है, राइट, तो और मुझे ये बात पता चली, तो मैंने फेसबुक पे मैसेज देखा, राइट, तो मैं अब उन्हें या मेरे दोस्त को कैसे सांत्वन दूं, राइट? मैं बोल सकता हूँ डीप, मतलब गहराई से, डीप कॉन्डोलेंसेस ऑन द डिमाइज ऑफ योर फादर, मुझे आपके पिता की क्षति पर दुख है, डीप कॉन्डोलेंस, हृदय की गहराई से मुझे आपके पिता की मृत्यु पर या उनके जाने पर दुख है, राइट? तो डीप कॉन्डोलेंस ऑन द डिमाइज ऑफ योर फादर, राइट? अब कुछ लोग इसमें सडन भी ऐड कर देते हैं, तो सडन भी इस तरह से यूज कर सकते हैं, डीप कॉन्डोलेंस ऑन द सडन डिमाइज ऑफ योर फादर, राइट? अब आपने देखा बहुत बार कुछ लोग रिप लिख देते हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में, तो रिप का मतलब होता है फूट फूट के रोना, तो रिप ना लिख करके आप बोल सकते हैं मे, अगर जेंट्स है तो हिज और लेडी है तो हर, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, राइट? ये कॉमन वर्ड है, इसे यूज कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा इट वॉज ऑल गॉड्स विल, सब कुछ भगवान की मर्जी थी, राइट? जब हम जाते हैं और उस व्यक्ति के घर में बैठते हैं, उन्हें सांत्वना देते, तो बोलते हैं भाई भगवान की मर्जी क्या, किसकी चली, सब भगवान की इच्छा थी, ऐसा हुआ, है ना, तो इट वॉज ऑल गॉड्स विल, इट वॉज ऑल गॉड्स विल, सब भगवान की मर्जी थी, राइट? एंड सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन जिसे आपको अपनी लैंग्वेज में शामिल करना चाहिए, मैं बहुत यूज करता हूँ, हु कैन पुट ऑफ फेट, हु कैन पुट ऑफ फेट, भाग्य को कौन बदल सकता है, भाग्य को कौन बदल सकता है, तो पुट ऑफ फेट, फेट मतलब भाग्य, तो भाग्य को कौन बदल सकता है, आप ये बात बोल सकते हैं, राइट? चलिए प्रशंसा की बात करते हैं आगे, प्रशंसा और अप्रिशिएशन, प्रशंसा की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रशंसा के लिए मेरे पास ब्रैवो आता है, शाबाश, ब्रैवो, वेल डन, एक्सीलेंट, इन सारे एक्सप्रेशन का हम यूज कर सकते हैं, इट वॉज वंडरफुल, जो आपने किया अमेजिंग था, जबरदस्त था, इट वॉज वंडरफुल, एंड यू डिजर्व अ प्राइज, आप इनाम के हकदार हैं, आपने जो जितना अच्छा काम किया आपको तो इनाम मिलना चाहिए इसके लिए,
है ना, एंड यू एक्टेड विद ग्रेट करेज, राइट। तो जब कोई व्यक्ति बहादुरी का काम करता है, अच्छा काम करता है, तो आप उससे बोल सकते हैं यू एक्टेड विद ग्रेट करेज, आपने बहादुरी का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, राइट। अब बात करते हैं ग्रेटिट्यूड एंड रेस्पेक्ट। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता दिखाना, कृतज्ञ होना, एंड रेस्पेक्ट मतलब आदर सत्कार करना, राइट। तो आई हैव, मुझे मेरे भाई से बात करनी है, मुझे अपने किसी फ्रेंड से बात करनी है, मुझे ऐसे नोन से बात करनी है जो मुझसे इसमें बड़े हैं, और मैं बोलता हूँ सर मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर यू। क्या? आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर यू, मेरे दिल में आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट है। अगला, आई एम हाईली ओब्लाइज्ड टू यू। जब कोई व्यक्ति आपकी लगातार मदद करता है और आप देखते हैं कि वो व्यक्ति जब मेरी लगातार मदद करता है तो आप, आपका जो दिल है आत्मभोर हो जाता है, और आपके भोर हो जाता है तो आप कहते हैं यार तेरा बड़ा एहसान रहेगा, है ना। तो क्या है, आई एम हाईली ओब्लाइज्ड टू, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, राइट। एंड कई बार ऐसे बोलते हैं जब हम किसी के घर गए और अपने किसी फ्रेंड को ले गए, वो पूछते हैं कि ये कौन है, तो मैं बोलते हैं ये मेरे बड़े भाई की तरह है, ये मेरे भाई की तरह है, ये मेरे फादर की तरह है। तो की तरह है का मतलब है नहीं, लेकिन उनकी तरह है, उनकी जैसे सम्माननीय है मेरे लिए। सो आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, आई रिगार्ड हिम एज माई यंगर ब्रदर, आई, राइट। तो इस तरह से हम उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। तो इट्स सो काइंड ऑफ यू मतलब इट्स सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ा कृपा होगी, आपकी बड़ी कृपा, इट्स सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इट्स सो काइंड ऑफ यू। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि ये सारी चीजों को सीखने के बाद हमें कर्टेसी से रिलेटेड बहुत सारे शब्दों का सही यूज समझ में आया, कब कब करना है, कैसे कैसे करना है। उसी से रिलेटेड मैंने आपके लिए एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन बनाया है, जिस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से हमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। एंड मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस जरूर करें इसका, उसी के आधार पर मैंने कॉन्वर्सेशन डिजाइन किया है। लेट्स स्टार्ट कॉन्वर्सेशन बिटवीन ए एंड बी। तो मैंने ए और बी दो नाम करके दिए हैं। ए ने कहा हेलो, तो बी क्या बोलेगा, हाय, राइट। ए ने कहा गुड मॉर्निंग, बी ने बोला वेरी गुड मॉर्निंग डियर, ये जो भी आप वर्ड पे यूज करना चाहें। हाउ आर यू, आ या आई एम फाइन थैंक्स, एंड हाउ अबाउट यू। जब एक व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप आई एम फाइन के बदले में थैंक यू या थैंक्स भी बोले, क्योंकि वो आपकी हेल्थ की चिंता करता है, आपके बारे में पूछता है, तो आप क्या बोले, यस थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू, और उसके बारे में पूछेंगे तो वापस से एंड हाउ अबाउट यू, और आप कैसे हैं, है ना। तो यहाँ पे ए रिप्लाई करेगा आई एम ऑल्सो गुड। अब मैंने यहाँ पे चूंकि एज ए स्टूडेंट ट्रीट किया है, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने आपकी क्लास के बारे में पूछ लिया, हाउ इज द क्लास गोइंग ऑन, हाउ इज द इंग्लिश क्लास गोइंग ऑन, हाउ इज द ऑनलाइन क्लास गोइंग ऑन, आपकी ऑनलाइन क्लास कैसी चल रही है, आपकी इंग्लिश क्लास कैसी चल रही है। तो आप बोलोगे या इट्स गोइंग वेल, बहुत अच्छी चल रही है, राइट। ओ गुड, अच्छी बात है, है ना। बी कहता है यस आई एम लर्निंग वेल, मैं बहुत अच्छे से सीख पा रहा हूँ, है ना, मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख पा रहा हूँ, ओके। तो ए कहता है कि यार अभी तो मुझे लेट हो रहा है, नाउ आई एम गेटिंग लेट, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, है ना। तो आप क्या बोलते हैं, मी टू, मुझे भी अच्छा लगा, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं, राइट, जल्दी मिलते हैं। तो ए भी कहता है सी यू गुड डे, या हैव अ गुड डे भी बोल सकते हैं, राइट। तो बी कहता है गुड डे, राइट, और इसी तरह से हमारा कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है। तो आप इस कॉन्वर्सेशन को आपस में, जैसे मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा बी नाम का व्यक्ति है, पहले ए नाम का व्यक्ति शुरुआत करे, बी नाम का व्यक्ति रिप्लाई करेगा, एंड देन उसके बाद ए नाम बी नाम का व्यक्ति शुरुआत करे, ए नाम का व्यक्ति रिप्लाई करे, इस तरह से आपस में एक्सचेंज करके आप लोग क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छा सीख पाएंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, राइट। सो डोंट फॉरगेट, आप कीप डूइंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड ये हमारा बेसिक पार्ट था जो खत्म हो रहा है, एंड फोर्थ क्लास से आपका प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, एंड आई गारंटी यू आपको मैं घर बैठे इंग्लिश सिखा दूंगा, राइट। बस कंडीशन मेरी है, मेरी पूरी वीडियो, जितने भी वीडियोस मेरे आएंगे उसे लास्ट तक देखें आप लोग, और लास्ट तक देखने के साथ साथ उससे प्रैक्टिस करें, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।